ये देखिए फ्रेंड्स, कितना हेल्दी, चटपटा और क्रिस्पी सा हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ, कितना सॉफ्ट हमारा नाश्ता। अगर आप भी नवरात्रि में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, तो ये रेसिपी फ्रेंड्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जल्दी से जाइए, बनाइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको बनाने के लिए मैंने दो चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया। ये देखिए, मैंने इसमें बॉइल्ड आलू ले लिए हैं और साबूदाना ले लिया। इसमें आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से हमारा ये झटपट बन के नया नाश्ता तैयार हो चुका है। ये देखिए, साबूदाने को मैंने अच्छे से भून लिया है। आप इसका कलर चेंज बिल्कुल भी ना करें, आपको सिर्फ इसको चलाना है। हल्की आंच पे कलर चेंज हो जाएगा तो हमारे नाश्ते खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा और ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, मैंने इसमें 3 आलू का इस्तेमाल कर लिया है। ये देखिए, जो हमारे कद्दूकस का सबसे छोटा हिस्सा है उससे हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से हमारे आलू वो जो है पीस के अच्छे से तैयार होते जा रहे हैं। ये देखिए, आप इसमें ज़्यादा आलू का इस्तेमाल ना कीजिए। इसके बाद मैंने इसमें ली है 1 चम्मच करी, मैंने इसमें काली मिर्च ली है। अगर आप किसी भी मसाले से कोई दिक्कत तो आप इसे हटा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें जीरा लिया है। अगर आप कोई भी मसाला खाना पसंद नहीं करते, आप व्रत में नहीं खाते, तो इसमें ना डालें। ये देखिए, उसके बाद मैंने ली है हरी मिर्च का, मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया। अगर आप चाहें तो इसे काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पीस के डाला है। और नमक फ्रेंड्स मैंने इसमें साथ ही डाल दिया है। ये देखिए, उसके बाद आती है भाई सबसे हमारी हेल्दी और टेस्टी सी चीज़ की बारी, वो होता है हमारा धनिया। ये देखिए, धनिया मैंने थोड़ी सी क्वान्टिटी में लिया है। अगर आपके पास हो तो आप इसे थोड़ी सी फालतू क्वान्टिटी में डालें। साबूदाना हमारा भून के अच्छे से तैयार हो चुका था, थोड़ा ठंडा कर लिया है मैंने। ठंडा होने के बाद इसको बारीक अच्छे से इसका जो है पीस लिया है इसको। ये देखिए, हाथों की सहायता से इसे मिलाएं। पहले हमें इसे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, आलू में जो मॉइस्चर है वो इसको अच्छे से सोख ले। पहले हमें हाथों से ही इसे मलना है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हल्के हल्के पानी का छींटा देके हमें ऐसे जो हमारा आटा है वो बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए, आप इसमें ज़्यादा पानी एक बार ना डालें, वरना हमारा आटा है वो जल्दी से ये गीला भी हो जाता है। ये देखिए, अच्छे से हमारा आटा हो चुका है गूंद के। ये देखिए, 10 मिनट का मैंने इसमें रेस्ट दे दिया। रेस्ट देना फ्रेंड्स इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप इसमें घी, तेल, जो किसी भी चीज़ का अच्छे से मोयन कर लें। ये देखिए, कितनी अच्छा सॉफ्ट हमारा आटा बन के तैयार हुआ है, जिससे हाथों में थोड़ा चिपचिपा सा रहता है ना, वैसे चिपकेगा नहीं। दिए देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छे तरीके से हमारा सॉफ्ट सा आटा बन के तैयार हुआ है। उसके बाद आप चाहें तो इसकी किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसके पराठे बनाने वाली हूँ। ये देखिए, जैसे दिख रहा है आपको, ये फटे फटे, इसकी दिक्कत लेने की फ्रेंड्स आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, और अगर आपको ऐसे ही खाने पसंद तो ऐसे ही बनाइए, और अगर थोड़े से गोल चाहिए तो जैसे ये देखिए आप, या फिर कोई कटर वगैरह, पिज़्ज़ा कटर आपके पास हो, आप उसे काट के इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक बड़े से बर्तन को ले लिया है और मैंने इसको अच्छे से कट कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट बिल्कुल हमारी शेप बन के तैयार होगी। ये देखिए, हेल्दी नाश्ता ढूंढ रहे हैं, चटपटा भी खाने का मन है और भाई बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं है, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल की रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए हमारा कितना हेल्दी सा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, इसको जो मैं, आप इसे चाहें तो इसको घी लगा के सेक सकते हैं, और बगैर घी के भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए, आप इसमें से कोई सा भी बना के तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ये देखिए, अच्छे से मैं इसको घी से जो है कोट कर दे रही हूँ। ये देखिए, आपको उसको ज़्यादा सेकना वेकना नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हमारे बन के तैयार होने वाले हैं। जितना आप इसको सेकेंगे उतना ज़्यादा ये करारा बनता जाएंगे, और आप इसे कम सेकेंगे तो हमारा सॉफ्ट बिल्कुल मक्खन की तरह ये हमारा बन के तैयार होगा पराठा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप इसको दिखाती हूँ आपको पलट के। ये देखिए क्या ही इसकी रंगत आई, खाने में इतना सॉफ्ट नरम, बिल्कुल रुमाल जैसा है ये। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको दोनों तरफ से घीस के अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए, ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए चैनल फ्रेंड्स चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। उलट पलट करके आप इसको अच्छे से सेक लें। ये देखिए, बिल्कुल फ्लफी फ्लफी और हमारे सॉफ्ट पराठे बिल्कुल बनके तैयार हुए हैं। अगर आप भी वो आलू वाली जो स्टफिंग वाले खा के परेशान हो चुके हैं सब्जी, तो इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। ये देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में हमारा पराठा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना अच्छा हमारा सॉफ्ट पराठा बनके तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैंने और भी जो है 2-3 पराठे को बेल लिया और इसे अच्छे से सेक लेंगे।
ये देखिए दोनों तरफ मैंने इसे घी लगा के अच्छे से सेक लिया है। ये देखिए भाई आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए और ट्राई कीजिए और मैं प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और अगले आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड्स। ये देखिए कितना फ्लफी हमारा पराठा बन के तैयार हुआ है। इसी के साथ बातों ही बातों में हमने जो 3-4 पराठों को बना के अच्छे से तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स वाह भाई वाह कितने सॉफ्ट हमारे पराठे बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हो रहे हैं। उसके बाद आती है भाई हमारी घी की बारी। ये देखिए जल्दी से जाइए और बनाइए भाई, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं खाने जा रही हूँ और आप भी जल्दी जल्दी से जाइए और खाइए और मेरे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड्स कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इन पराठों के साथ मैं सर्व करने वाली हूँ दही, दही का रायता बनाने वाली हूँ मैं। ये देखिए इसके बाद मैंने ले ली इसमें दही, भुना हुआ जीरे का पाउडर ले लिया है मैंने ये, और अच्छे से लुक के लिए मैंने इस पर लगा दिया है धनिया। ये देखिए भाई लग रहा है ना एक परफेक्ट मील की तरीके से। ये देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।